Times Now has spoken to the ambulance attendant who completely denies the suicide theory. He's making a sensational revelation, in fact, and he says that he heard doctors talking and saying it's murder. 11:30 बजे जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद जब रीवा चतुर्वेदी आई थी रात में सुबह 8 बजे आने के बाद जब मैं उसके पीछे पीछे घुस के अंदर घुसा, उससे पहले मैंने सबको निशाने देख लिया। निशाने देखने के बाद उसको माफ़ी वाफ़ी मांगी, सॉरी बोली। सुशांत तुम्हारे सामने सॉरी बोली थी? जी, मेरे सामने सुशांत सॉरी बोली थी और दो आदमी खड़े थे। उसके बाद मेरे को बाहर भेज दिए। फिर डॉक्टरों की कुछ बात हो रही थी तो डॉक्टर एकदम सुन में बोल रहे थे कि मर्डर है। तो मैं सुना अपने कानों से और उसके बाद मैंने किसको कुछ बोला ना पुलिस को बोला। पोस्टमार्टम के अंदर के डॉक्टर्स बोल रहे थे कि ये मर्डर है? जी, मर्डर है बोल रहे थे। जब मैं पुलिस को नहीं बोला ना किसको भी नहीं बोला, किसको भी नहीं बोला, मैं चुप अपना बाहर आ गया। मीडिया भी बहुत बाहर खड़ी थी, चुप अपना बाहर आ गया। फिर अंतिम संस्कार तक मैं वहाँ तक गया था। वहाँ से जाके मैं फिर देखा था एकदम निशाने है अंदर पोस्टमार्टम के, इधर सुइयों के निशाने थे, तलवे के नीचे सुइयों के निशान थे। देख के फिर जब भी मैंने एकदम दिल में छुपा लिया था कि मैं किसको भी नहीं बोलूँ। तो तुम पोस्टमार्टम के रूम में थे, रिया चक्रवर्ती अंदर पोस्टमार्टम रूम में कितना टाइम थी, क्या हुआ उधर, थोड़ा विस्तार में बताएंगे? वो आई थी, वो अंदर जाने कोशिश कर रही थी, तो वो अंदर जाने के बाद मैं भी गर्दी गर्दी में अंदर घुस गया, अंदर घुस गया था। अंदर घुसने के बाद रिवाज चतुरी सॉरी बोल रही थी। जब मैंने निशाने भी देख लिया था सब खोल के, और यहाँ टेप ऐसा चिपके लेता, पोस्टमार्टम का एक टेप होएगा, उसका मेरे को इतना इशू नहीं है, पोस्टमार्टम का एक टेप होएगा और सब कुछ होएगा। उस वजह से मैंने सब देख के अपने बाहर आ गया। डॉक्टर ने बोला ये मर्डर है, तो आपको भी ऐसा कुछ लगा था? हमको तो ऐसा लगा था मर्डर ही लग रहा था। क्यों लगा था? फांसी लेगा तो आदमी जवान बाहर आ जाएगी, पीली बॉडी नहीं पड़ेगी, टांग कैसा टूटेगी, हमको तो ऐसे ही लगा ना सर। हम तो इसके लिए बता रहे हैं।